मामला है उमरिया जिले के करकेली जनपद की ग्राम पंचायत करकेली का, जहां रामेश्वर काची पिता स्वर्गीय चंदू काची का, जिनके पूरे परिवार को घर से ही निकाल दिया गया है। यह समस्या पटवारी और आरआई की नापझोक से उपजी है, जहां बड़े भाई ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बेच दी और बचे घर को भी अपना बताकर बेच डाला है, जिसके बाद आवेदकों ने तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। मेरा नाम रामेश्वर कुशवाहा। करकेली। किस लिए आज? मैं आया था, हमारे बड़े भाई ने हमारे दो हिस्सा छीन लिए, तीन हिस्से। तो आज आप सब परिवार आए हैं? मैं सब परिवार इसलिए आया हूँ कि हम एक ही पिता के तीन पुत्र एक बहन थी, बरोबर हमको हिस्सा दिया जाए। और नहीं, हम आज तो आवेदन लगाए हैं, हम कल आत्महत्या करने के लिए निकल जाए। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि जाइए मैडम जी से मिलिए, बंटवारा का आवेदन लगाइए। अनीता कुशवाहा। काहे के लिए आए हो? हिस्सा के लिए। क्या काहे के लिए, मतलब कौन सा हिस्सा, क्या पूरा बताओ। ये हमारे बड़े ससुर ने हमारा हिस्सा लेने के लिए तैयार है, हिस्सा बंटवारा नहीं करते हैं, और आराई और पटवारी को लाकर नब्बा के फूटा बंदी करवा दिए है, घर में केवल लिखवा दिए, और हमको घर से निकालते बोल रहे हैं, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। अच्छा, आज आए तो कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब बोले हैं कि आवेदन लगाइए, मैडम को बोलो बंटवारा बराबर करें। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि जमीन तीन भाइयों के नाम पर है, और उनका कहना है कि उनके जो बड़े भाई हैं वो अपने बेटों के नाम जमीन बेच रहे हैं। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट है कि वो अपना ही हिस्सा बेच सकते हैं, बाकी भाइयों का हिस्सा नहीं बेच सकते। इसीलिए मैंने उन्हें सलाह दी है और लिख के भी दिया, तहसीलदार के नाम कागज लिख के दिया है कि वो बंटवारे का आवेदन कराए लगाए और अपनी जमीन अलग करा लें। अपनी जमीन अलग कराएंगे तो सुरक्षित रहेगी, सम्मिलित रहेगी, तो विवाद चलता रहेगा।